हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वप्न शास्त्र में। आज हम जिस सपने के बारे में बात करेंगे वो हमारे आने वाले भविष्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। वो सपना है सपने में बाढ़ का देखना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि मेरे चैनल स्वप्न शास्त्र को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यदि हम सपने में यह देखते हैं कि बाढ़ नदी में बाढ़ आ रही है और बाढ़ का पानी साफ़ है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट पानी है, पीने पीने लायक जो पानी होता है वैसा पानी है, तो यह सपना हमारे लिए इतना बुरा नहीं होता है। यह सपना बस हमें यह दर्शाता है कि हमारे आगे आने वाले जीवन में सामान्य कठिनाइयाँ आएंगी। लेकिन यदि हम ऐसा देखते हैं कि एक गंदे नाले जैसा पानी, मतलब कि मिट्टी गाद से भरा हुआ पानी, जैसी बाढ़ आए नदी के अंदर, तो और हम उस नदी उसके अंदर फंसे हुए हों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे चारों तरफ पानी पानी और हम उसमें फंसे हुए हों और बाढ़ आई हुई नदी में, तो ऐसा सपना हमारे लिए बहुत ही घातक सपना होता है। यह हमारे जो जीवन में तो होने वाली तरक्की है उसमें बाधा डालता है। तो अगर ऐसा सपना आए तो उसे नज़रअंदाज ना करें और इस सपने का तुरंत समाधान करें। आप मंदिर में जाएँ, पशुओं को चारा डालें और गाय को गुड़ खिलाएँ। और इसके अलावा यदि आप यह देखते हैं कि आप किसी स्कूल में हैं और आपका स्कूल नदी किनारे बसा हुआ है और उसमें बाढ़ का पानी पहुंच गया है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, बाढ़ आई हुई है, और आप भाग के उस बाढ़ में से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो यह सपना यह दिखाता है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन आपका जो संघर्ष है वो आपको सफलता दिलाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखें। अगर यदि ऐसा सपना आए तो उसका निवारण अवश्य करें, क्योंकि ऐसे सपने बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। ये हमें शारीरिक नुकसान भी पहुंचाते हैं लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। तो ऐसे सपने आने पर आप जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय ज़रूर करें। और ऐसा सपना कभी भी आए तो आप उठते ही बिना कुछ खाए पिए पहले इस सपने को अपने घर में जो भी है उसके साथ शेयर करें। इससे क्या होता है, इसका जो परिणाम होता है वो परिणाम कम हो जाता है और आप कष्ट से बच सकते हैं। धन्यवाद।